आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। उदयपुर में हुई निर्मम हत्या के विरोध में उमरिया के गांधी चौक में आतंकवाद का जलाया गया पुतला। कोतवाली टीआई सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर राजस्थान की गहलोत सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की गई मांग। हनुमान चालीसा का पाठ कर राजस्थान सरकार को सद्बुद्धि के लिए की गई प्रार्थना। राजस्थान सरकार पर योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं पर हमले कराए जाने का लगाया था आरोप। कट्टरवादी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को देश भर में किया जाए बैन। कन्हैया हत्याकांड की सीबीआई जांच कराकर आरोपियों को मृत्युदंड देने की गई मांग। उमरिया से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, आप सबको ज्ञात है और मीडिया में बार बार चल भी रहा है कि हाल ही में राजस्थान में एक सामान्य दुकानदार के घर के अंदर घुसकर और उनकी गर्दन को काट के इस देश के अंदर इस्लामिक जिहादियों ने देश के अंदर भयभीत हो, देश का समाज भयभीत हो जाए, देश के अंदर अस्थिरता आ जाए, इसका प्रयत्न हो रहा है। और बजरंग दल के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में हिंदू समाज सुरक्षित है और उसकी सुरक्षा की गारंटी बजरंग दल लेता है, और उन जिहादियों को जिनको लगता है कि हम दहशत फैलाकर इस देश के अंदर शरिया के हिसाब से देश को चलाएंगे, उनके लिए मुंहतोड़ जवाब है। उनको समझ जाना चाहिए कि इस देश का युवा जिस दिन उनके ही भाषा में उनको जवाब देने लगेगा तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए इस देश का जो कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है और जो उनके समर्थक हैं और जो उनके वोट के भिखमंगे राजनीतिक दल हैं, इनको सबको समझना चाहिए कि इस देश का हिंदू समाज किसी भी कीमत में जाकर इस देश की रक्षा करेगा, हिंदू समाज की रक्षा करेगा, और राजस्थान सरकार को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसी सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो सरकार की पुलिस 8 दिन पहले जाकर रिपोर्ट लिखाने के बाद भी सुरक्षा नहीं प्रदान कर पाई और गला रेत कर उस एक सामान्य व्यापारी की हत्या हो गई। मैं इस माध्यम से और आप सबके माध्यम से भी अपने हिंदू समाज से निवेदन करता हूं कि ऐसे जिहादियों के लिए किसी भी स्तर पर उनको जवाब देने के लिए हिंदू समाज को तैयार रहना चाहिए। इसी के लिए एक ज्ञापन दिया गया और आगे भी अगर कार्रवाई नहीं होती तो एक उग्र आंदोलन पूरे देश के अंदर चलेगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा और इसके लिए एक कट्टरपंथी इस्लाम जिम्मेदार होगा।